अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष का हंगामा। बर्खास्तगी को लेकर आज विपक्ष मार्च निकालेगा गांधी प्रतिमा से। आपको बता दें कि विजय चौक तक ये मार्च होगा। विजय चौक पर विपक्ष साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन्स पर। बर्खास्तगी को लेकर लगातार जो कांग्रेस है उसकी तरफ से प्रदर्शन हंगामा पहले ही किया जा रहा था, लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो पद है उसे हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई इसको लेकर कोई उचित और आगे कदम नहीं उठाया गया है। और यही वजह है कि लगातार सरकार को घेरा जा रहा है इस मुद्दे पर। और देखिए, आज मार्च भी किया जाएगा गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक कांग्रेस की तरफ से मार्च होगा। और देखिए, विजय चौक पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर की जाएगी विपक्ष की तरफ से। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार किया जा रहा है, और इसी सिलसिले में आज मार्च और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ममता चतुर्वेदी लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है लाइव। ममता का रुख करेंगे, ममता जानकारी चाहेंगे, आज मार्च और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी विपक्ष की तरफ से, जानकारी इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, पिछले कुछ दिनों से जब से उत्तर प्रदेश की एसआईटी रिपोर्ट आई है और एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ था वो एक साजिश थी, इसके बाद से लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। और केंद्र सरकार से ये मांग विपक्षी दल कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी केंद्र सरकार कब करेगी, ये सवाल है विपक्षी दलों की तरफ से जो लगातार केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद से ही अचानक गायब हो गए हैं गृह राज्य मंत्री, उनका पता नहीं है, सदन में भी दिखाई नहीं देते और केंद्र सरकार के जो भी तमाम कार्यक्रम होते हैं उनमें भी वो नजर नहीं आ रहे। तो विपक्षी दल लगातार ये सवाल पूछ रही है केंद्र सरकार से कि आखिरकार गृह राज्य मंत्री हैं कहां। और इसी को देखते हुए आज 1 बजे का वक्त है जब गांधी प्रतिमा से राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर विजय चौक तक एक पैदल मार्च निकालेंगे। और मांग यही होगी केंद्र सरकार से कि आखिरकार गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी कब होगी, क्योंकि इससे पहले भी गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि यदि उनका बेटा इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार का दोषी पाया जाएगा तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे। तो अब विपक्षी दल ये भी पूछ रहा है कि आखिरकार क्या जो बयान दिया था गृह राज्य मंत्री ने, नैतिकता का सवाल उठाया था, तो क्या जब रिपोर्ट आ गई है तो उनकी नैतिकता कहाँ है, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। और लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा इसी तरीके का विरोध कायम रहेगा। चलिए ठीक है ममता, ममता बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।